स्पॉन्सर्ड बाय शिव शक्ति हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आईटीआई मोरचास डाले हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी मीडिया वाले को, पूरे ग्राम वासियों को और जितनी यहाँ महिलाएं आई हैं, पुरुष आए हैं, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि भाजपा का कार्यकर्ता होकर ही कोई कार्य कर सकता है। जो व्यक्ति भी अपने देश से प्रेम करता है, अपने क्षेत्र से प्रेम करता है, अपने समाज से प्रेम करता है, उस अपने गौ माताओं से प्रेम करता है, उस व्यक्ति को भाजपा ज्वाइन करके करे या बिना ज्वाइन करे करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती हूँ, इसीलिए मैं जी जान लगा कर ये काम को करती हूँ साथ मिलकर, और भाजपा के साथ में हूँ। भाजपा का जो विचारधारा है वही विचारधारा मेरा है, इसलिए मैं उनके साथ मिलकर काम कर रही हूँ। और कल होके क्या होगा वो तो ईश्वर जानता है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो मेरे मर्जी पर नहीं है। मैंने कभी दावेदारी नहीं की आनंद जी, मैंने कभी दावेदारी नहीं की है। मैं सिर्फ काम करती हूँ। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, काम करना हमारा काम है। हम समाज सेवी भी हैं, हम डॉक्टर भी, हम काम करते हैं। हम थोड़े ही जानते हैं कि इस काम का आगे में क्या फल होने वाला है। जो फल होने वाला होगा वो होगा, देगा भगवान, देगा जैसा समझेगा ईश्वर, के जो मर्जी होगी करेगा। मेरा काम है कि मैं भाजपा के साथ रह रही हूँ, भाजपा की बिल्कुल एक ऐसी कार्यकर्ता हूँ जो तन मन धन से मैं लगी हुई हूँ और लगी रहूँगी अनवरत। बस इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बाकी भगवान जानते होंगे। क्यों नहीं, जरूर लड़ूंगी। यदि भाजपा मुझे उस लायक समझती है तो मेरे अंदर में इतनी भावना है, इतनी शक्ति है कि मैं पूरे क्षेत्र को बदल दे सकती हूँ। मेरे अंदर में इतनी शक्ति है और इतनी भावना है, क्योंकि मैं त्याग चुकी हूँ अपना सारा कुछ। मैं यही चाहती हूँ कि पूरे देश का, पूरे क्षेत्र का, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं विकास, उसी तरह से मैं भी बिल्कुल त्यागपूर्ण जीवन जीकर और अपने देश के कार्य में काम आ सकूं, तो मेरी बहुत बड़ी सफलता होगी जीवन में। थैंक यू सो मच। आज का जो कार्यक्रम था, मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात है वो आज 100वां एपिसोड पूरा किया। तो आज 100वां एपिसोड पूरा करने के उपलक्ष्य में एक उत्सव के रूप में नागवाली पंचायत श्री राधे श्याम गौशाला में डॉक्टर उषा सिंह जी के आयोजन के द्वारा समस्त ग्रामीणों के साथ मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना गया। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले पूरे देशवासियों को 100वें संस्करण पूरा होने के उपलक्ष्य में सारे श्रोताओं का आभार प्रकट किया, और जिस तन्मयता के साथ और पूरे भावुकता के साथ उन्होंने अपने श्रोताओं का आभार प्रकट किया, ये हम देशवासियों के लिए भी गर्व का विषय है। और लगातार से राष्ट्रीय मुद्दों पर वो मन की बात कार्यक्रम के तहत बात करते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, स्वच्छ भारत। आज भी उन्होंने हिमालय में एक हमारे भाई लगातार स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, हिमालय को साफ करने का काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी उन्होंने चर्चा की इस कार्यक्रम के माध्यम से। और डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, कई ऐसे हमारे देश में हुनर की कमी नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्किल्ड लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं लेकिन गुमनाम हो जाते हैं, वो उभर कर सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन इस मन की बात कार्यक्रम के तहत पहले ऐसे प्रधानमंत्री जी हुए जिन्होंने वैसे गुमनाम लोगों को उभारने का, निखारने का और एप्रिसिएट करने का काम किया। ये वाकई में हमारे लिए गर्व का विषय है।